दी है पार्टी को और आपने और पार्टी को जो भी आप फैसला करवाएंगे मैं उसका पाबंद हूँ इंशाल्लाह। और ये बात जहन में रहनी चाहिए सबके कि कायद आप हैं, आपने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा और इसको पूरे पाकिस्तान में मुतारफ करवाया और आप 90 की दहाई में सिंध में फर्स्ट टाइम आप पार्टी को लेके गए सिंध में और सिंध के हालियों तक आप पहुंचे और फिर केपीके में पहले भी आपकी वहां पर गुडविल थी मगर केपीके में पार्टी को आपने बेपनाह अरूज दिलवाया। ये ज्यादा बात है कि हम उसको हम वहां की बगैर किसी तस्वीर में गए थे उसको कैपिटलाइज नहीं किया और इस तरह सिंध और कराची में आज दोबारा मैं समझता हूँ कि वही जो आपकी जो जो स्टैंड है आपकी जो एफर्ट्स हैं आपने जो मुल्क के लिए किया है अंधेरे दूर किए हैं और सी पैक को लेकर आए और बेशुमार चीजें सिंध और कराची में फिर एक दफा पीएमएल और आपके लिए बेपनाह वहां पर गुडविल है कराची में खास तौर पर इस हवाले से। और मैं खुद शायद मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गया जलसे करने मैंने तो पंजाब के अलावा कहीं ना जलसा किया था कभी आपने मुझे इजाजत दी तो इस दफा आपने इजाजत दी मुझे तो यकीन करें कराची में सबसे पहले जो लोग बात करते थे कि मियां नवाज शरीफ ने कराची में अमन कायम किया और इसी तरीके से अंदरूनी सिंध में बेपनाह गुडविल है वहां पर लूट मार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। केपीके में अपना आप भी तशरीफ ले गए हैं मैं भी गया हूं बेपनाह गुडविल है। अफसोस की बात यह है कि हमने इन दोनों सूबों में एंट्री बहुत लेट डाली खास तौर पर सुबह सिंध केपीके को फिर जो वहां की लीडरशिप ने संभाला दिया है लेकिन सिंध में जो कराची में मैंने जो गुडविल देखी है वो एक दीगरी है। अगर आप शायद 2-2.5 साल पहले अगर आप वहां पर कदम रखते तो आज सिंध और कराची की सूरत हाल पीएमएल के हवाले से बहुत मुख्तलिफ होती है। बहरहाल मैं खिताब ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लीडरशिप में आप मुझे काम करने का मौका मिला मिल रहा है आपकी ट्रेनिंग है जो आप फैसला करेंगे मैं वो इंशाल्लाह उसको कबूल करूँ। थैंक यू वेरी मच।